हाय दोस्तों, नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये देखिए, रख दीजिए। आज हम इसे बनाने वाले हैं कारी। इसे स्नाइल बोलते हैं इंग्लिश में, हम तो उड़िया में गेंडा बोलते हैं, गुजरी गेंडा। इसे हम बनाएंगे आज कारी। हाई कर दियो, हाई कर दियो, सब चाहिए हाई कर दियो। तो दोस्तों हम चलिए कारी बनाते हैं, आप लोग वीडियो देखते रहिए हम लोग कैसे बनाते हैं। और अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अभी से थोड़ा गर्म पानी में उबलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, उसके अंदर से निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं। आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ कैसे निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इतना सारा निकालने के लिए थोड़ा लेट होगा, इसलिए हम लोग पहले निकाल लेने के बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अब निकाल लिए हैं। ये देखिए इतना कचरा निकला, मतलब उसका कवर जो रहता है, और इसके अंदर से ये इतना ही निकला है दोस्तों। वो देखा है अभी कितने गिर गए, ये देखो इतना ही निकला दोस्तों, इतने में। तो चलिए अब इसका कारी बनाते हैं। अब उसके बाद इसको अच्छे से धोना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बहुत धूल रहता है, धूल मिट्टी। दोस्तों इसे पूरा 10-12 बार धोना पड़ा, इतना मट्टी था इसमें। दोस्तों हमारा कारी अब रेडी हो गया है। आज मैं आप लोगों को इसका मतलब रेसिपी का पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाया, क्योंकि ये चिकन जैसा बनाते हो इसे भी उसी तरह बना सकते हो आप, हम उसी तरह ही बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा कारी अब रेडी हो गया है, और ये राइस। और आज इसे खाने वाले हैं संजू और शाही, माँ बेटे, क्योंकि मैं और मेरा पापा माँ, हमारा घर में और कोई भी नहीं खाता है ये स्नाइल। केमती लगुच छुआ, केमती लगुच? मीठा लग रहा है, बोल रहा साई।
बदल से। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको आप लोगों को कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप कुछ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, रहते हैं, बाय बाय।